दोस्तों इस वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है। ये वीडियो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल है, काफ़ी ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि देखो चाइना के अंदर भी इस तरह के मुसलमान रहते हैं, यानी पक्के ईमान वाले, मजबूत ईमान वाले, जिनको नमाज़ों की अहमियत का मालूम है। ये वीडियो दोस्तों चाइना से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में हम लोग देख सकते हैं एक चाइनीज़ मुसलमान जो कि नमाज का वक्त होने पर जहां पर वो मौजूद था वहीं पर नमाज पढ़ने लगा। अब दोस्तों आप लोग देखिए चाइना के इस मुस्लिम नौजवान की ईमान की मजबूती। इस शख्स ने नमाज की नियत बांधी हुई है और सिक्योरिटी गार्ड हर तरह से कोशिश कर रहा है इस मुस्लिम नौजवान को वहाँ से भगाने की या फिर नमाज के अंदर दखल अंदाजी करने की, लेकिन इस शख्स ने अपनी नमाज को नहीं तोड़ी और सिक्योरिटी गार्ड पर ध्यान भी नहीं दिया। इस वीडियो में दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि जिसके दिल में नमाज की अहमियत होती है वो शख्स नमाज को कज़ा भी नहीं करता। और दूसरी बात दोस्तों गौर करने वाली यह है इस वीडियो में कि सिक्योरिटी गार्ड ने हर तरह से कोशिश की नमाज को तुड़वाने की, नमाज को ख़राब करने की, लेकिन सलाम है इस चाइना के मुसलमान पर जिसने सिक्योरिटी गार्ड पर ध्यान भी नहीं दिया, वो अपनी नमाज को मुकम्मल करके वहाँ से चला गया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। लोग इस वीडियो को देखकर कुछ लोग तो हैरान हो रहे हैं कि चाइना के अंदर भी इस तरह के मुसलमान हैं जिनका ईमान मजबूत है, जिनको नमाज़ों से मोहब्बत है, जिनको नमाज़ों की अहमियत का मालूम है। एक दोस्तों इंडिया के अंदर किस तरह से मुसलमान अगर नमाज पढ़ता है, जिस तरह से चाइना के इस मुस्लिम नौजवान ने खुले में नमाज पढ़ी है, इसी तरह से इंडिया के अंदर भी अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उसको भी वहां से भगाया जाता है या फिर तरह तरह की नारेबाजी की जाती है। इसी तरह से दोस्तों चाइना के अंदर ये मुस्लिम नौजवान नमाज पढ़ रहा था तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर इस मुस्लिम नौजवान को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मुस्लिम नौजवान वहाँ से नहीं हिला बल्कि नमाज मुकम्मल करके ही वहाँ से गया है। आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।